हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे अनस्क्रिप्टेड रिव्यू पे। जी हाँ गाइस, इस चैनल पे हम लोग जो भी रिव्यू डालते हैं वो अनस्क्रिप्टेड होते हैं और मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता इन रिव्यूज़ के लिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मेरी सारी वीडियोज़ में। सो प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गहराइया के बारे में। गहराइया एक ऐसी मूवी है जो बहुत लोगों ने नहीं देखी, और जिन लोगों ने देखी उन लोगों को पता है कि ये एक इंडियन कामासूत्र है इनडायरेक्टली, क्योंकि इस मूवी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक 18 साल के ऊपर का लड़का चाहता है मूवीज़ में देखने के लिए। सो जी हाँ गाइस, आज रिव्यू करते हैं हम गहराइयों के बारे में। और इस गहराई मूवी में गहराइया तो बहुत है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले उनकी एक्टिंग तो माशाल्लाह भाई साहब क्या बताए। मतलब एक्टिंग के नाम पर जो टट्टी करके रखी है सबने, उसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, इसमें दीपिका पादुकोण ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी जो नेचुरल एक्टिंग होती है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी दिनों के बाद में दीपिका कोई एक ऐसे मूवी में आई है जहाँ पे उसने खुद का एक्टिंग का जो एक नेचुरल टेंडेंसी है वो दिखाई है। बाकी जो सिद्धार्थ है उसकी तो नॉर्मल एक्टिंग है, जो हर बार उसके फेशियल एक्सप्रेशन आप देखोगे वो सेम वहाँ पर भी मिलेंगे। जब वो एंग्री करता है, जब वो हैप्पी होता है, वो सारे एक्सप्रेशन आपको गली बॉय में भी देखने को मिल जाएंगे, उसी टाइप की सेम एक्टिंग है। और अनन्या पांडे, सबसे पहली बात, जो सबसे बड़े नेपोटिज्म की शिकार है अनन्या पांडे, तो उनके बारे में क्या बोले, तो उनके बारे में बस मैं यही बोलूँगा कि सीखने की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब जितना पैसा आप बाकी चीज़ों में लगाते हो उससे अच्छा आप थोड़ा सा भी पैसा अगर एक्टिंग स्किल्स पे लगा दो, या फिर आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास लेके चलो, लेकिन प्लीज़ आप एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि बहुत गंदे एक्टिंग करते हो आप। हाँ, थोड़ा सा रोमांस के मामले में वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छे सीन है उसके भी एक दो, तो आप ज़रूर देखिए वो भी। और दीपिका पादुकोण के काफ़ी हॉट सीन है, काफ़ी दिनों बाद उन्होंने कोई बोल्ड मूवी की है। सबसे ज़्यादा मज़े तो इस मूवी में सिद्धार्थ भाई के थे, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मज़े तो भाई ने किए। मतलब आधा पिक्चर ही उन्होंने किया है, पूरा पिक्चर नहीं किया है, क्योंकि स्टोरी के बीच में वो मर जाते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। और स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताओ तो कुछ नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्टली होता है। एक लड़का लड़की होती है और एक दूसरा कपल होता है, तो दूसरा कपल में से एक लड़के की जो इच्छा है वो दूसरी लड़की पर चली जाती है, तो वो उसको पटाता है, बाद में उन दोनों का रिलेशनशिप चलता है, और फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ों की वजह से वो बंदा दो लड़कियों के बीच में फंस जाता है। इनडायरेक्टली जो इंडियन सिचुएशन में होता है, जैसे एक लड़का दो लड़कियाँ पटा लेता है, उसके बाद में जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो सेम स्टोरी आपको दिखाई गई है, और एक को मारने के चक्कर में उसकी खुद की मौत हो जाती है। तो इस तरह से स्टोरी है। बाद में मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़का मरा है तो ना उसका कोई इंस्पेक्शन हुआ, ना पुलिस केस हुई, ना कुछ हुआ, मतलब डायरेक्ट सब चीज़ें हो गई, वो गिर गया, मर गया, बस बात खत्म। लेकिन कोई भी ये जानना नहीं चाहता कि वो क्यों मरा है, उसको किसने मारा है, या फिर कुछ भी। दो लड़कियाँ मरने के बाद अपने लाइफ में जैसे नॉर्मल थी वैसे हो जाती है। उसके मतलब जो होने वाली उसकी बीवी होती है अनन्या पांडे, उसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसको कौन मरा कैसे मरा, उसको भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इतने बार चूतिया जैसा मोबाइल चेक करने के बाद भी उसको फिर भी नहीं पता चलता कि उसका पति क्या कर रहा है, मतलब पति सॉरी फियांसे जो भी होने वाला है, तो वो क्या कर रहा है, उससे चीट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी कुछ उसको पता नहीं चलता। मतलब इनडायरेक्टली स्टोरी बहुत, मतलब स्टोरी का मोटो एक ही था कि सिद्धार्थ को मारने का है, उसके बाद में स्टोरी को कंटिन्यू करने का है, बस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब के बीच में ये मूवी घिसी पिटी घुस जाती है, और मूवी में कुछ अच्छा खास देखने को है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ अच्छे बोल्ड सीन्स देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा इंटीमेशन सीन्स देखने चाहते हैं, तो ये मूवी आप ज़रूर देख सकते हैं। बस हाँ, आप टोरेंट से डाउनलोड कीजिएगा, नॉर्मल कहीं और से मत देखिएगा, क्योंकि सीन्स कट किए हुए रहते हैं। टोरेंट से डाउनलोड कीजिए और देखिए। और हाँ, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि टोरेंट से डाउनलोड कीजिए, लेकिन आप लोग बहुत होशियार हो, आपको पता है क्या करना है, क्योंकि इस मूवी के लिए पैसे देना और थिएटर में जाना तो आई डोंट थिंक सो। और बाकी तो अभी मूवी का इतना ही रिव्यू है, और कुछ दे नहीं सकता इसके बारे में। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए, नई वीडियोज़ आएंगी अभी जल्दी जल्दी। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ नया नया कंटेंट लाने का। और सॉरी गाइज, मैं कोई स्क्रिप्ट करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। सो जो है ऑनेस्ट रिव्यू अपना यही है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बार बार वो नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ देखते रहिए चैनल अनस्क्रिप्टेड रिव्यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।